ये 21वीं सदी का भारत है प्रधानमंत्री जी। पकौड़ा, चाय, गाय, गोबर, हिंदू मुसलमान, इससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। और अभी आप बाबा विश्वनाथ की बात ये जफर भाई कर रहे थे, जितना औरंगजेब और महमूद गजनवी ने मंदिरों को नहीं तोड़ा, उतने मंदिर इन्होंने जो है इस बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर बनाने में तोड़ दिए। हजारों पुजारियों को बेघर कर दिया। 1000 साल पुराना बरगद का पेड़ था, उसको भी काट डाला। तो ये काम तमाम जनता का ही नहीं कर रहे हैं, ये भगवान का भी काम तमाम कर धर्मेंद्र रहे जी आखिरी हैं, बार कब गए हैं ये काशी? भगवान के अनुयायियों का भी काम तमाम कर रहे हैं। आखिरी बार कब गए हैं काशी? और आज एक बार होकर आइए, एक बार होकर आज आइए, प्रधानमंत्री आपकी सारी जी, गलतफहमियां दूर होंगी। एक बार होकर आइए, आज कब गए हैं प्रधानमंत्री काशी आखिरी जी, बार? मुझे मुझे बोलने दीजिए अमन जी, आखिरी बार काशी कब अमन गए जी मुझे हैं? बोलने दीजिए। आखिरी बार काशी कब गए हैं? आज प्रधान, अरे काशी आप जाइए, मेरे घर में ही नहीं, आपके काशी लिए है, तो मेरे अछूत घर में है, ही अयोध्या आपके है, लिए तो और अछूत मेरे है, घर में आपके ही लिए तो राम है, सेकुलरिज्म और मेरे घर में कम्युनल ही है, काशी काशी कम्युनल है नहीं आपके है, लिए तो। ये पहले काशी नहीं जाइए ना, है, फिर मेरे तभी तो जन्म बोल में पाएंगे पहले ना। बसते हैं, ये लोगों को आप गुमराह धर्मवीर करने चौधरी वाली जी जब बात तक है, अरे जाएंगे भैया नहीं आपको तब तक पता नहीं कैसे कभी पता नहीं लगा लगेगा? जी, भाई देश की स्टूडियो में जनता बैठे खुश बैठे है, बोलेंगे आंदोलन काशी को हो रहे बर्बाद हैं, कर दिए, कर स्वतंत्र दिया। प्रदेश एक बार चाहे, जाइए पूरे ना, देश में एक एक बार लहर काशी है, हो कर, जो उन्होंने काम हूं किया, मैं तो जबरदस्त काशी प्रधानमंत्री जी ने कायाकल्प काशी की कॉरिडोर तारीफ कर रहा बनाने हूं। का, धर्मवीर जी एक बार होकर आइए काशी तब बोलिए। कॉरिडोर का बात जो करते हैं ना, प्रधानमंत्री से ज्यादा ढोंगी उसकी व्यक्ति अगर प्रशंसा, इस संसार हर में कोई लोग हुआ प्रशंसा हो कर रहा है तो काशी आप मुझे कॉरिडोर बता को, दीजिए, आप ही नहीं ये कर जफर पा इस्लाम की रहे, तो बात इसलिए छोड़ क्या दीजिए आपको आप। लग रहा है कि जनता का प्यार मिल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं अमन आपको जी, पेट में आपने दर्द मुझे हो रहा है बोलने का उससे, मौका भाई दिया जनता था प्यार कर रही या जफर है। इस्लाम जी को दिया था? जनता प्यार मैं नहीं तो कर सिर्फ रही है, इतना कह रहा हूं जनता भाईजान आपके लिए कि आप तैयार बैठी है, बाबा साहब नहीं के नहीं वोट की ताकत का हाँ, इस्तेमाल तैयार करने के आपको लिए आप हर एक घंटे में इस प्रदेश में नहीं बेटियों नहीं के साथ आप बलात्कार हो रहा आज है। आप काशी आज कॉरिडोर नहीं गए, आज रोजगार मैं कह रहा मांगने हूं वाले काशी युवा कॉरिडोर जाके कोरोना देखिए, काल में देखिए करोड़ों तो हिंदू मर अंदाज हो गए, जाएगा कि जफर कितना इस्लाम जी लोगों ने कितने उसको घरों में सराहा गए, क्या है, बता दीजिए जो आप हमने मुझे। कोशिश की है उसका हर धार्मिक घर भावनाओं लोग को उसको भड़काने तारीफ का कर काम रहा क्या है। कर रहे और हैं? एक आप काम जो करिए, है ये यहाँ हिंदू तो सनातन धर्मी अरे आपसे कौन सा संत भावना निकलते जा भिड़का रहे रहे हैं, हैं, आपको हिंदू धर्म प्रधानमंत्री नहीं कोई हमने जी कौन को सा हिंदू बहकाने धर्म का काम, तो आप से बांटने किसी का का काम तो सर्टिफिकेट आप नहीं करते हैं, चाहिए, नहीं नहीं बांटने का काम तो आप कर, अरे और बांटने का तो आप काम हिंदू आप कर रहे धर्म हैं, समाज को मुस्लिम तोड़ने का धर्म में काम हम आप जा कर रहे हैं, करके समाज राजनीति ना में करें उत्तर प्रदेश पंथ की में। बात करते हैं, ये जाति उत्तर पाति की प्रदेश बात की करते जनता हैं, आपका हम तो सबक सबको सिखाने के साथ लिए लेके तैयार चलते हैं, बैठी सबको है, साथ लेके चलने मुझे वाली बात मां जब हम गंगा करते ने हैं बुलाया तो है, आपको तैयार, मैं आपको तकलीफ बनारस होती है, आया हूं, भाई आपको क्यों तकलीफ मैं होती है, सबका साथ किलोमीटर भी गंगा लेके, जी साफ नहीं हो तो मुझे बता दीजिए। माँ गंगा ये ने आपको भगवान दिखा राम की दिया है ईंटों हर को, बार, भगवान माँ राम गंगा ने की जो ईंटों को 2014 में 14 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 में 14
धर्मवीर चौधरी आखिरी बार काशी कब गए? आखिरी बार काशी कब गए? धर्मवीर चौधरी आखिरी बार काशी कब गए? कब गए आप काशी? काशी कम्युनल है आप लोगों के लिए, सेकुलर वोट खतरे में आ जाता है। कब गए आखिरी बार काशी? मेरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, चलिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पोस्टिंग काशी में थी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से शुरू होता है? मथुरा भी जाता हूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से शुरू होता है? जो मुझे आपसे सर्टिफिकेट, चलिए मुझे बता दीजिए ना फिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कौन से घाट से बाबा के दरबार तक जाता है? वहाँ पर घाटों का निर्माण जो हुआ था, कौन सा घाट है? सरकार में हुआ था। कौन सा घाट है? हम ढिंढोरा नहीं पीटते आपकी तरह। कौन सा घाट है? हम काशी में, कौन सा घाट है वो? विश्वनाथ, अरे 80 घाट कुछ बताइए तो सही। नहीं नहीं नहीं, कौन से घाट से बाबा विश्वनाथ के धाम को जोड़ा गया है? जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इनसे मुझे आपको पता ही नहीं है। एक बार जाइए ना, आवश्यकता नहीं है, एक बार होकर तो आइए, हो सकता है आपकी भ्रांतियां दूर हो जाए, आपके वोट थोड़ी ना खतरे में पड़ जाएंगे। काशी कम्युनल थोड़ी ना है, सनातन सांप्रदायिक है क्या? एक बार होकर तो आइए, हिंदू है, होकर तो आइए, डरते क्यों है काशी जाने से? हो सकता है भोले का आशीर्वाद मिले। हिंदुओं पर आक्रमण हुए, चलिए हिंदुओं को सताया गया। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आपका पूरा सम्मान है, धर्मवीर जी बस मेरा एक, धर्मवीर जी आपकी बातों में और दम आ जाता। सुनिए 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 सुनिए, धर्मवीर जी आपका पूरा सम्मान, आप एक धारदार प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, बहुत शानदार अपनी बात रखते हैं, मैं तारीफ करता हूँ आपकी, लेकिन एक बार काशी हो आइए, आपके वोट नहीं खतरे में पड़ जाएंगे। कोई सनातन कम्युनल नहीं है काशी कम्युनल, क्या आपको डर लग रहा हूं मेरे सेकुलर वोट चले जाएंगे? एक बार हो आइए ना, तो अयोध्या काशी अरुण राजभर,
अरुण के पास जाओ। हैं, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे आप होकर आइए ना, आप क्यों डरते हैं फिर? सतीश चंद्र मिश्रा जी का कार्यक्रम में आप होकर आइए ना, डरते क्यों हैं काशी से इतना? काशी अछूत है क्या आप लोगों के लिए, जैसे सालों साल बनाया हुआ था? जाटों को डराने वाला कौन दुनिया में पैदा हो गया? वोट, हम तो आपका वोट, आपका वोट ना, सेक्युलर वोट, काशी कम्युनल बना रखा है आप लोगों ने, सनातन को सांप्रदायिक बना रखा था। से डरेंगे? चलिए ठीक है, ना इन अंधभक्तों से डरेंगे, ना इन डबल इंजन की सरकारों से डरेंगे। अरुण भाई अरुण राजभर, वैसे मैं धर्मवीर जी, वो ललिता घाट है आपकी जानकारी के लिए, आपको नहीं पता होगा, आप गए नहीं आखिरी बार, मुझे याद नहीं, वो ललिता घाट से बाबा विश्वनाथ का 400 मीटर कॉरिडोर है। हाँ, देखिए बताइए, अब मैंने बाबा की बात करी, काशी की बात करी, ललिता घाट की बात करी, तो मैं गोदी मीडिया हो गया भाई। बाबा की गोद में बैठा हूँ, गोदी बाबा की गोद में बैठा हूँ, मैं हूँ काशी की गोद में बैठा, मैं हूँ बाबा की गोद में बैठा, मैं हूँ बाबा भोलेनाथ की गोद में बैठा, वो आपको भी देख, मैं औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा, मैं औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा, डबल इंजन की सरकारों को भी देख रही है धर्मवीर जी, बनाने वाले जो तेल जो ठीक है, बस करिए, आपको कुछ नहीं पता कर दिया, ये उसको भी देख रही है। ठीक है धर्मवीर जी, काशी की गोद में बैठा हूँ, औरंगजेब की गोद में नहीं बैठा। अब अरुण राजभर बोलेंगे, अरुण राजभर जी, काशी हमारे दिल में बैठी है भाई। गए नहीं आखिरी बार, पता है नहीं कुछ, काशी का काका गा नहीं पता आपको, काशी का काका गा नहीं पता आपको, काशी की बात कर रहे हैं, कब आखिरी बार गए हैं? छोड़िए ना, बस करिए, कितनी छीछा लेदर करवाएंगे अपनी, कब गए आखिरी बार काशी? काशी का काका गा नहीं पता। चलिए अब बस करिए, अरुण राजभर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरुण भाई एक एक करके बस अरुण राजभर, प्रधानमंत्री ने माफियावाद का भी जिक्र किया आज, की लड़ाई माफियावाद वर्सेज विकासवाद है, शायद वो आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, आपके पिताजी मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत छाती पीटती है माफियावाद और परिवारवाद वाले मुद्दे पर, हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री जी खुला चैलेंज किया है कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े माफिया हैं, एक लिस्ट जारी करो, और उस लिस्ट में किन किन लोगों पर बुलडोजर सरकार चलाई है और कितने लोगों का अवैध सामग्री जो जमीने हैं उसको अधिग्रहण किया है। हकीकत सामने आ जाएगा कि कौन अपराधियों का चोला ओढ़ करके अपने करीब सताया हुआ है और कौन एक जाति विशेष पर टारगेट करके उनके ऊपर हमला कर रहा है और उनके ऊपर राजनीति कर रहा है। हम तो कह रहे हैं बनारस में ही है, जो बनारस का अपराधी है वो बनारस की जेल में रहेगा, और जो गाजीपुर का अपराधी है वो बांदा की जेल में रहेगा, और बाधा का अपराधी अमेरिका के जेल में जाकर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नियम है, ये नीति है कि अपराधियों का नाम लेते हैं, जौनपुर के अपराधी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। एक बुलडोजर चलाते हुए देखा है कभी जौनपुर के अपराधी पर, प्रतापगढ़ के अपराधी पर, चंदौली के अपराधी पर, आजमगढ़ के अपराधी पर? अरुण जी, तो आप वहां नहीं देखेंगे कि इन अपराधियों पर भी कार्रवाई हो रही है? यहां नहीं होती, यहां मुसलमान देखा जाता है, यहां पिछड़ा देखा जाता है, यहां दलित देखा जाता है, और इस आधार पर कार्रवाई की जाती है। अरुण जी, डर नहीं है अरुण जी कि अरुण जी मुख्तार को माफिया मानते हैं, मुख्तार अंसारी को? हाँ या ना? देखिए, जो माफिया है वो आप न्याय नहीं दे पाएंगे, है या नहीं है? मुख्तार अंसारी को माफिया मानते हैं, नहीं मानते? कौन है अपराधी, कौन नहीं है? देखिए चेहरा, देखिए चेहरा, देखिए हो गया, बस चेहरा देखिए, हो गया, मुख्तार अंसारी माफिया, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है। 120 बी के मुकदमा में